तो हे गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। जैसे कि आप सभी को पता है 10th का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुका है और 12th का बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है कि हमारा जो 10th का एग्जाम कैंसिल हो गया है लेकिन हम लोग 11th में एडमिशन कौन से बेस पे ले, इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस रह सकते हैं इसके रिलेटेड रहे, या 12th का बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन कर दिया तो उसका लेटेस्ट टाइम टेबल नहीं आ रहा है और अभी भी बच्चे 12th के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा भी बोर्ड एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, तो वैसे ही आपके कुछ कमेंट्स है उसके जवाब मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं 10th के स्टूडेंट्स के बारे में। तो 10th के स्टूडेंट्स को ये अभी सवाल सता रहा है कि आगे क्या, मतलब हमारे 11th के एडमिशन कौन से बेस पे होंगे। तो गाइस देखिए अभी तक इसके ऊपर कुछ भी प्रॉपरली डिसीजन नहीं आया है, अभी तक डिस्कशन लेवल पे ही ये काम चालू है कि आपका कुछ इंटरनल असेसमेंट के ऊपर मार्क्स देके या 9th-10th के जो मार्क्स है उसको कंबाइन करके वगैरह रिजल्ट बनाएंगे, या कुछ सीईटी जैसे एग्जाम वगैरह कंडक्ट करके आपको 11th में एडमिशन दे सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी तक जैसे मैंने कहा कि कंफर्म डिसीजन गाइस नहीं आया है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, कंफर्म डिसीजन जैसे ही आएगा वो हम लोग हमारे चैनल पे डाल देंगे, आपको पता चल ही जाएगा कि क्या है कंफर्म डिसीजन और आपको कौन से बेस पे 11th में एडमिशन मिलने वाला है। तो अभी तो आप लोग बिंदास एंजॉय कर दीजिए क्योंकि 10th का एग्जाम तो नहीं होने वाला है, तो एग्जाम कैंसिल है तो इसका मतलब अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बिंदास एंजॉय कर दीजिए, जैसे ही डिसीजन आ जाएगा उसके बेस पे आपको 11th में एडमिशन मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट डिसाइड करके बताई देगी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी बात कर लेते हैं 12th के बच्चों के बारे में। तो उनका भी एक सवाल है कि अगर 10th के बच्चों को पास कर दिया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स है कि आगे जाके आपका एडमिशन के लिए तकलीफ वगैरह हो सकती है, या थोड़ा बहुत टाइम पीरियड अभी भी बाकी है, जैसे जून तक एग्जाम अगर लिया जाएगा तो भी चल सकता है, ऐसे कुछ डिस्कशन वहां पे भी चालू है। इसके लिए अभी तक आपका कुछ एग्जैक्टली डिसीजन, मतलब जस्ट पोस्टपोन बोला गया है, लेकिन आगे क्या करने का, क्योंकि कोविड के केसेस है वो भी डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपका एग्जाम लेना नहीं लेना इसके बारे में अभी भी इंटरनली जो है वो डिस्कशन चालू है। तो फिलहाल अगर उन्होंने बोल दिया है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा, लेकिन अभी तक उनका टाइम टेबल भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, और एट द सेम टाइम पे आपका एग्जाम कौन से मोड में लिया जाएगा, आगे जाके ये ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, इसके बारे में भी डिस्कशन चालू है। और इन बिटवीन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है, उनको लग रहा है कि अभी भी अपना बोर्ड एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, इवन हमें भी लगता है कि अभी 12th का बोर्ड एग्जाम भी आगे जाके ज्यादा पोस्टपोन करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी बहुत सारे प्रेशर में है, तो ऐसे केसेस में ये भी एग्जाम कैंसिल होके कुछ इंटरनल असेसमेंट या अदर कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल सकता है क्या, इसके बारे में डिस्कशन चालू है। तो गाइस 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी यही बोलूंगा कि अभी थोड़ा सा वेट कर दीजिए, आने वाले ये वीक में शायद आपके लिए भी कुछ एक अच्छा सा डिसीजन आ जाएगा, जिसके हेल्प से आप लोग का जो आगे का करियर है वो अच्छी तरह से जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर दीजिए। फिलहाल तो 10th रहे या 12th रहे कुछ लेटेस्ट अपडेट नहीं है, जस्ट इतना ही इन्फॉर्म करना था क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं 10th के बारे में बता दीजिए 12th के बारे में बता दीजिए, तो अभी तक इतना ही अपडेट है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।